दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो हम देखेंगे कि कैक्टस सीड से कैसे ग्रो करने हैं। ये कुछ मेरे पास कैक्टस के सीड्स हैं, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने तीन अलग अलग तरीके से कैक्टस के सीड ग्रो किए हैं। तो दोस्तों, ये फर्स्ट वाला, मतलब फर्स्ट जो मेरा पॉट है उसमें मैंने सीड्स ग्रो किए थे, तो इसमें ग्रो हो नहीं सके दोस्तों। इसे मैंने विदाउट पॉलीथीन जो है ओनली सीड डाल के रखा था। दोस्तों, ये सेकेंड ग्लास है, इसमें आप देख सकते हो कि जर्मिनेशन रेट मुझे, मतलब जैसे मैंने 10 से 15 सीड डाले थे, उसमें से 2 से 3 सीड्स जो है वो अच्छे से जर्मिनेट हुए हैं, बाकी के सीड जो है दोस्तों वो जर्मिनेट नहीं हो सके। इसे मैंने पॉलीथीन में रखा था, देख सकते हो दोस्तों आप। और जो दोस्तों ये जो है ये तीसरा वाला तरीका था, इसमें मैंने एक बड़ा पॉट यूज़ किया था, और जो जैसे आप पॉलीथीन देख सकते हो इसके अंदर मैंने इसे रखा था, जिससे कि इसमें ह्यूमिडिटी जो है बनी रहे और जो जर्मिनेशन रेट है वो मुझे अच्छी मिल सके। तो दोस्तों, इस वाले में मुझे जर्मिनेशन रेट बहुत अच्छी मिली है, और मैं भी आपको यही तरीका सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी कोई सीड ग्रो करो, कैक्टस हो या और किसी सीड भी आप ग्रो करो, तो इसी तरीके से कीजिए, जिससे कि उसमें ह्यूमिडिटी जो है बनी रहे और आपकी जर्मिनेशन रेट आपको अच्छी मिले। और दोस्तों, मैंने तीनों तरीकों में जो सॉइल मिक्स था वो सेम यूज़ किया था, कोई भी सॉइल मिक्स, मतलब ऐसे कम ज़्यादा कुछ ही नहीं था, एकदम सेम सॉइल मिक्स था दोस्तों। लेकिन मुझे जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए था फर्स्ट वाले, मुझे लग रहा था कि मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये जो वाला मेरा फर्स्ट ग्लास था, इसमें मैंने इसके ऊपर जो है पॉलीथीन नहीं रख दी, इसे ऐसे ही रख दिया था बस। वैसे मैं प्रॉपर वाटरिंग कर रहा था दोस्तों, मैं फिर भी इसमें जो मुझे है जर्मिनेशन रेट जो है वो नहीं मिली दोस्तों। तो दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कीजिए।